दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए वीलॉग के साथ मैं आ गई हूँ दोबारा से। और आज है बारात, ड्रेस जो है वो आपको लगी रहा होगा कि मैंने पहन ली है, क्योंकि पार्लर जाने लगे हैं तो वहाँ जाके ना फिर मुश्किल होती है, तो मैंने कहा यहीं से पहन के जाऊँगी। और ड्रेस की सारी जो लुक है वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। बाकी भी हालत बहुत बुरी हो रही है, बाल मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे ये देखें, ताकि मेरा सुबह फिर ना बहुत ज़्यादा वो टाइम नहीं था और बड़े सारे काम है। और आज जो है वो मताफ का भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि उसका मूड ना ख़राब हो जाए और इस तरह का। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों ने मेरा मेहंदी वाला वीलॉग देख लिया, ढोलकी वाला देख लिया, अगर नहीं देखा तो जाके देख लें और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दें। और बस आज के बारात वाले वीलॉग को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, टाइम हो रहा है 2 और बस हम पार्लर जाने लगे हैं तैयार होने के लिए। तो चलें आज के वीलॉग को, बारात वाले वीलॉग को यहीं से करते हैं स्टार्ट। A few moments later. और ये जी गाइस, हम लोग निकल गए थे पार्लर के लिए। रौनक ने भी अपनी मैक्सी पहन ली थी और मैंने भी अपनी मैक्सी पहन ली थी। ये जी, ये इसका फाइनल लुक है और तैयार होकर कंप्लीट फाइनल लुक दिखाऊंगी। और बेचारा जावियार हमारे साथ साथ होता है और ये मम्मा। बाकी जी, इस पूरे वीलॉग में ना आपको ज़्यादातर वॉइस ओवर ही मिलेगा, क्योंकि शोर वगैरह की वजह ना मैं कुछ बोली नहीं थी, बस रिकॉर्डिंग करती रही थी। और थोड़ा ज़ुकाम की वजह वॉइस ओवर भी ऐसा दिया जा रहा है। खैर, ये मेरा हेयर स्टाइल जो है ना वो बन गया था और ज्वेलरी भी मैंने पहन ली थी। और जी, इसके बाद ये मेकअप शेकअप भी हो चुका हुआ था। ये मेरे जो हेयर स्टाइल है उसकी फ़ाइनल लुक थी। और इसके बाद मैंने इसमें छोटे छोटे जो बेबी फ्लावर्स नहीं होते हैं वो भी लगवाए थे। और ये पीछे रौनक अपनी ज्वेलरी वगैरह सेट करवा रही थी और मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ वीडियो। और ये जी मेरा मेकअप करीब से भी देख लें। 2000 years later. तो गाइज, हम लोग तैयार हो गए और आज बहुत हबड़ा दबड़ी मची रही है। देखें पीछे अभी भी तैयारियां चल रही हैं। फैज, ये मुबीन और ये मेरा सरबाला, ये मेरा बेटा वहाँ, और एक बेटा हमारा वो सो रहा है और एक वो। तो बस आज ना एक्चुअली जल्दी जल्दी के चक्कर हुआ है, क्योंकि सर वो भी थी है सेहराबंदी, बस इस वजह से बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो बस अब हम निकलते हैं और वहाँ छेड़ा ही नहीं मामा वो थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ था। बाकी जी सब कुछ रेडी था, सब मेहमान वगैरह आ गए थे, सब कुछ रेडी हो गया था। और ये हमारे दूल्हे भाई भी रेडी हो गए थे, बस सेहराबंदी के लिए तैयारियां चल रही थी। बाकी जी, मताफ साहब को देखें, ये शुक्र है कि इसने बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरवा दिया था। ये सब सेहराबंदी के लिए बाहर आ रहे थे। और जी माशाल्लाह जी जुहान बहुत एक्साइटेड हुआ था। बस जी, ये जो मताफ साहब थे ना, ये आहिस्ता ये जो पीपनी वाला था ना, जो पीपनी बजा रहा था, उसे आहिस्ता ना ये नींद में जा रहा था और हम इसको जगा रहे थे, क्योंकि भाई बस हमारा था कि बस ये कुछ एक दो घंटे गुजार दे और बस फिर ये आज़ाद था। लेकिन अभी थोड़ी देर जो है ना ये जागा रहा है, इसलिए हम सब आस पास खड़े रहे थे। और ये जी बस ये फूलों का जो सहरा था ना, ये जो मेरी कज़न है वो खोल रही थी। और ये बस जो हमारे ये तरफ ना सबसे पहले जो मैरिड बहनें होती हैं ना, उनको ये सहरा लगाया जाता है और फिर जो होता है ना दूल्हे को पहनाया जाता है। तो बस ये वही हो रहा था। और साथ साथ मताफ को जगाने के लिए उसके मुँह पर ठंडे पानी से हाथ फेरा जा रहा था ताकि वो जाग जाए। और हम आज बेचारा सब हंसी जा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन खैर ये जाग गया था। फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दिया था कि ये जागे। और ये जी स्टार्ट हो गई है अब सेहरा बंदी और ये बहनों को लगाया जा रहा है और फिर हमाद को पहनाया जाएगा। Oh, okay.
तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। और ये जी फाइनली दो तीन बार कोशिशें की, क्योंकि रस्सी छोटी थी सहरे की तो वो प्रॉपरली आ नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, लेकिन फाइनली फिर ये बंद किया। और इसके बाद जो था ना, सब ने अपनी अपनी सलामियों का जो सिलसिला था वो शुरू किया, और ये अब सलामियाँ वगैरह हो रही थी। और ये जी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे दूल्हे की गाड़ी भी तैयार थी, दूल्हा भी तैयार था, मेहमान भी तैयार थे, बस अब हम लोग जो थे ना निकलने लगे थे बारात लेके भाभी को ले लाने के लिए। और बस अब हम सब लोग गाड़ी में बैठने लगे थे। अगले दो तीन मिनट आप जो है ना हमारी इसी की वीडियो देखेंगे, क्योंकि ट्रैफिक की वजह ना सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। आधा रास्ता गुजर गया था और अभी भी आधा बाकी था, तकरीबन एक घंटा बाकी था। और हमने मताफ से ये मोबाइल लिया कि ये थोड़ा रेस्ट कर ले, सो जाए, कहीं ये वहाँ जाकर ना सो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम और गुजारना था। पर नहीं भाई, ये होश में आ गया और ये हर चीज़ छेड़ने लगे, कभी कुछ कभी कुछ। और ये हम सब गाने इंजॉय कर रहे थे, अपने अपने सब अपने अपने ब्लूटूथ जो थे ना वो कनेक्ट करके अपने अपने गाने सुनवा रहे थे कि देखो मेरे पास ये गाने, मेरे पास ये गाने। और फैज़ साहब जो थे ना, इनको थोड़ी देर बाद जो थी ना ड्रिंक पीना याद आ गया था, इनको था कि चलो यार ड्रिंक खोलो ना, ड्रिंक पीते हैं। अब के बाद जी ये सिग्नल पे खड़े खड़े हमें 20 मिनट गुजर गए थे, और ये गजरों वाला गजरे देने आया था, तो सब ने कहा कि फैज़ भाई मुझे दिला दें गजरे, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो लॉक है। बाकी जी ये देखें, ये हम फोर्ट्रेस वाले जो थे ना पुल पर, और ये चेक पोस्ट पर हमें कोई पौना घंटा लग गया था, बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम। इसीलिए इसके बाद हम लोगों ने ड्रिंक्स खोली और बस फिर चेयर चेयर्स करके पीना शुरू कर दी। तो हमने कहा चलो कुछ तो इन्जॉयमेंट करें ना, सही है ना। और ये जो फाइनली डेढ़ घंटे की ट्रैफिक के बाद हम लोग ये हॉल पहुंच गए, और ये मताफ साहब को हमने थोड़ी सी ड्रिंक पटा के होश में लाए थे, और ये होश में आ गए थे। और बस ये अब जो है ये गाड़ी शाही पार्क होगी, थोड़ा सा शूट होगा, थोड़ा सा डांस टूंस होगा, मतलब वो जो भंगड़ा भंगड़ा होता है, और फिर बस जी एंट्री होगी। लेकिन टाइम जो है ना बहुत कम रह गया।
दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। और ये जी बस बैठ के फैमिली फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह स्टार्ट हुई और मताब साहब जो थे ना वो थक गए थे और बच्चा है ना फिर बस उसको जैसे ही मौका मिला वो भाग गया। अभी आप देखेंगे आगे और बस इसके बाद मैं आपके साथ अपनी ड्रेस की और पूरे हॉल की सेटिंग की वीडियो शेयर करूँगी। और ये जी जैसे हम लोग एंटर हुए थे ना उसके शूट के बाद, जैसे आपने देखा तस्वीर जब मताफ भाग गया उसके फौरन बाद सूप वगैरह सर्व हो गया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, ट्रैफिक की वजह से ना हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था। और साथ ही फिर जो ब्राइड थी उनकी एंट्री हो गई थी और ये मैं तेज़ी वीडियो बनाने जा रही थी सूप छोड़ के। और ये जो सेटअप बहुत 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 प्यारा था और ये हमने एंड पे वीडियो बनाई थी पूरा जो हॉल था ना उसके डिकोर वगैरह की, क्योंकि ना लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई थी और शुरू में जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम बहुत कम था, हम लोगों का ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था ट्रैफिक में। और ये हमारे भाई और भाभी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये जी साथ साथ शूट वगैरह हो रहा था और ये साथ साथ खाना वगैरह जो था ना ये भी सर्व हो रहा था और खाना भी बहुत मज़े का था और सेटअप भी बहुत 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 प्यारा था, बहुत प्यारा हॉल वगैरह था। और जी ये मैं और फैज़ साहब खाना खाते हुए मैं भी, मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी बना लूँ, ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि जी वीलॉग भी बनाना है साथ साथ ना। और भाई फाइनली जो सारी शादियों में जो मेन जो पॉइंट होता है दूध पलाई वो भी शुरू हो गई थी। और ये आपको भैंस से ही पता चल रहा होगा कि दूध पलाई के मतलब पैसों पे भैंस हो रही है। खैर इधर भी बहुत 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 मज़ा आया था।
दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे जी। मेरा बेटा माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, इसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी इसलिए बस इसकी यही वीडियो बना सकी मैं। और बस जी अब हम लोग जो थे ना, रुखसती का टाइम था और हम लोग भी बस अब घर जाने का जो था ना वो हो रहा था और ये मताफ मुझे हील में खींचता चला जा रहा था। तो बस जी अब हम लोग मिलते हैं गाड़ी में। A few moments later. हम सब एक गाड़ी में क्योंकि इनकी गाड़ी खराब हो गई है। हमारी इनकी का है ना मम्मा की। मुबीन ये मैं और ये रौनक और ये सुहान। फंक्शन खत्म, बारात खत्म, शादी शादी इतने दिनों से शादी शादी कर रहे थे और एकदम दो फंक्शन गुजर भी गए। वाजिब, क्या बात, क्या और ये जी बस सब लोग घर आ गए थे, भाई भाभी भी आ गए थे। बस जी अब मतलब के वो जो बहनें रास्ता रुकाई करती हैं वो रस्म थी, फिर हमारे यहाँ खीर चटाई की रस्म होती है वो रस्म थी, और ये जो था ना गाड़ी वाले उन दोनों को बेचारों को बाहर निकलने ही दे रहे थे कि पहले वो जो हमारा नेक वो जो पैसे होते हैं वो दें फिर निकलने देंगे, और घर के अंदर जो थी सारी बहनों ने रोका वो बेचारे तो लगता है रास्ता रुकाइए ही बेचारे देते 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 थक गए होंगे। यार देखो अरे बच्चों को देखभाल करूंगा उसके लिए आप अपने बच्चों की कर लेना, हमें नहीं चाहिए अपना की कर लेना। उनकी बेबी सिटिंग करूंगा मैं। कितना कितना बहुत क्या होगा क्या होगा। और ये जी बहनें बहुत सारी थीं तो सबको एक बात पे एग्री करना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन वो हमाद ने कर लिया था और जी फाइनली सबको उन्होंने पैसे दे दिए थे और ये जी मुझे भी मेरे मिल गए थे। और बस जी अब मैं अंदर जा रही हूँ और अब एंट्री का टाइम। और बस जी भाई भाभी अंदर आ गए हैं और अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अब जो है ना वो खीर चटाई की रस्म है तो बस अब वही स्टार्ट होने वाली थी।
तो चलें जी, इसी के साथ साथ बारात का फंक्शन तो यहीं पे एंड होता है और साथ साथ मेरा वीलॉग भी यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा तो लाइक का बटन लाजमी दबा देगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, बेल आइकन का जो रिंग का बटन होता है वो भी दबा दें ताकि अगले वीलॉग्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछले वीलॉग्स ढोलकी और मेहंदी का भी जाकर देख लें, दुआ में याद रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। उम्मीद है कि आपको वीलॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। शर्बाला बनेगा, ये बड़ा पाला भी लगेगा। बातें करता है ये बहुत सारी बातें करता है। ये इसको शमर लग रही है, दूल्हा बनना है, दूल्हा बनना है आपने, छोटे से दूल्हे बन जाए।